हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है और शेड्यूल आते ही उसके मुताबिक काम होगा। इस दौरान कुमारी सैलजा ने बीजेपी और जेजेपी पर भी निशाना साधा है। बंटवारे को लेकर क्या कहेंगी, सर्वे के आधार पर हो कैसे हो? देखो, हमारी स्क्रीनिंग कमेटी बन गई है, अब उनका काम शुरू हो जाएगा और जैसे ही वो पूरा शेड्यूल देंगे उसके मुताबिक। तो क्या ये संभव नहीं है कि जब टिकट वितरण होगा तो भीतरघात नहीं होगा? देखो, भीतरघात तो मैं नहीं सोचती, लेकिन कुछ प्रेशर्स होते हैं टिकट वितरण में, ये हमेशा सदा से रहे हैं कि टिकट मांगने वाले कई लोग होते हैं, मिलता एक को है, ये तो हमेशा से ही हर पार्टी में हर चुनाव में होता है, लेकिन जो हमारा कैंडिडेट होगा उसके लिए सभी काम करें। लोगों में जो सरकार के प्रति इनका 10 साल भूखा महसूस कर रही है, वो लोगों की आंखों से झलकता है। किसी भी नागरिक से आप बात करो, चाहे गरीब है, चाहे मिडिल क्लास है, चाहे छोटा व्यापारी है जो कि GST से त्रस्त, लोकल टैक्सेस से त्रस्त है, लेकिन उसे सुविधाएं कोई नहीं मिलती। इंटरव्यू में के वर्चस्व का एकाधिकार नहीं होना चाहिए पार्टी में? देखो, जो मैंने कह दिया वो कह दिया, अब रोज रोज एक बात तो बार बार वो न्यूज तो कोई है नहीं। बात ये है कि अब हमने लड़ाई लड़नी है अगली, और वो लड़ाई है कि हमने सरकार बनानी है और इस सरकार को हमने बाहर करना। तो पहले देखो, इनका तो बिल्कुल वजूद अब खत्म हो चुका है, आपने देख लिया पिछले लोकसभा चुनावों में भी देख लिया, और ये साफ जानते थे, बच्चा बच्चा जानता था, आप सब जानते थे कि चुनाव नजदीक आएगा तो इनका ये गठबंधन टूटेगा ही टूटेगा, और वही हुआ। कुछ नहीं, राजनीति है, अभी अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, मुझे लगता नहीं इनके हाथ कुछ पड़े।